हमें तो ये मट्टी जो है छांट के लेके आनी पड़ती है, ना तो पत्थर वाली मट्टी हो ना वारी वाली हो जिसको बालू रेत वगैरह कहते हैं, इसके लिए मखसूस मट्टी होती है चिकनी मट्टी, उसी के जरिए ही जो ये काम होता है। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और मैं ये काम तकरीबन 17-18 साल से कर रहा हूँ और जिद्दत लाए हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए इस काम में, जिद्दत जो आप देख रहे हैं अभी इस तरह से काम हो रहा है। कुछ और भी काम है जैसा कि आप अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इसके काम के जो है ना, इसके चार प्रोसीजर हैं। काम के तरीके ये हैं कि एक तो कोयल मेथड होता है और एक जो है व्हील मेथड होता है, एक स्लिप मेथड होता है और एक होता है मेथड जो जो आप मटका जो देखते हैं या मोल्ड मेथड आप कह सकते हैं उसको। कोयल मेथड जो कहते हैं वो है कि जो नांदियाँ बनती हैं जिस तरह से, उसको कोयल मेथड कहते हैं और ये जो है आप देख रहे हैं ये व्हील मेथड है। इसके और भी काम है जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो व्हील पे नहीं, उसके अलावा अलग से निकल सकती हैं। पहले ये है कि व्हील पे इतना काम नहीं होता था, मामूली एक काम होता था जैसे सुराई बनती थी पानी की और मटके बनते थे। अब उसके बाद जो है कुछ हमने ये जो गुलदान वगैरह बनते हैं इसमें हमने चेंजिंग लाई, वो आप देख रहे हैं इस काम के अंदर। वो ये है कि जेन में हमें आया कि इस तरह से जो है वो बनाया जाए। एक तो ये है कि फोटो देखते हैं उसके अंदर जो है देखते हैं कि भाई ये एशिया प्लास्टिक की बनी हुई है, तो क्यों नहीं हम इसको मट्टी में बनाया जाए, तो मट्टी में बनाते हैं और कुछ तो हमारे अपने जेन में आ जाते हैं डिज़ाइन। जिस तरह ये बोतल बन रही है हमारी अपनी जेन के डिज़ाइन के बने हुए, मतलब ये जेन से बना है कि इस तरह हम करेंगे तो अब भी आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको ये खूबसूरत लगेगी। हमने तकरीबन 2-3 प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ कॉलेजेज हैं, उनमें भी हमने सिखाया है। एक तो रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल है यहाँ आटोबान रोड पे और दूसरा है सिटी फाउंडेशन स्कूल, उसमें भी हमने सिखाया है। हमारे यहाँ पे जो है जैसे बाहर माल जाता है तो उसको जो लोग जो कमाते हैं ना वो कुछ ज़्यादा कमा लेते हैं और हमें वो चीज़ इतनी नहीं मिल सकती है जितनी वो दुकान वाले कमाते हैं, इतने हमारे को वो अफोर्ड नहीं करते हैं। दुकान वाले अगर हमें ज़्यादा पैसे देते तो हमारा भी कुछ से चल जाए। अब जो चीज़ हमारे से 10 रुपये की ले जाते हैं वो आगे 100 रुपये की चलाते हैं, वो जो मुनाफा होता है वो ज़्यादातर वो खुद ही दुकान वाले ले जाते हैं। पुराने दौर की तरह हम भी चल रहे हैं कि सादा सीधा खाना और सादा सीधा पहनना, इस तरह से वो चलता रहता है मुसलसल। जिस तरह हमारे बड़े बूढ़े जो चलाते रहे घरों को, इस तरह से हम भी अपने घरों के चलाते हैं। मट्टी जो है हम खास करके मीरपुर खास से ही मंगवाते हैं और ये ट्रकों के ज़रिए आती है। उसके अंदर भी आए दिन ट्रांसपोर्ट का जो ना मसला होता रहता है, किराए बढ़ते रहते हैं और डीजल पे पैसे बढ़ते रहते हैं, तो हमारे उसी पर मट्टी के ऊपर भी रेट इसी तरह से बढ़ते रहते हैं और ये कि हमारे उसी रेट पर उसको असर ही नहीं पड़ता है। जो पुराने रेट चल रहे हैं वही हमारे उसको जो ना, जैसे गमले हो गए नांदी हो गई, वो पुराने रेट में ही वो हमारे से दुकान वाले लेते रहते हैं और दुकान वाले तो वही चलाते रहते रेट ज़्यादा रेटों में चलाते हैं। बस ये कि अल्लाह का शुक्र है चल जाता है गुजर सफ़र इस तरह से। Thank you.